हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि CISF का आपका नया जो वैकेंसी है अनाउंस कर दिया गया है, मीन्स कि 1149 यानी लगभग 1150 पोस्ट के लिए आपका आवेदन मांगा गया है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे ये है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फायर में, मीन्स कि अभी तक फायर का एग्जाम बहुत कम देखने को मिला है। तो दोस्त आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका बहुत पुराना है, यानी लमसम 2008-09 के आसपास का है, जबकि फायर का एग्जामिनेशन हुआ था। तो उस टाइम दोस्तों जो आपका फुल मार्क्स होता था वह केवल 40 मार्क्स का आपका पेपर होता था, ठीक है। 40 मार्क्स में आपके सारे जो सेक्शन होते थे वो कवर अप होते थे। जैसे कि मैं बात करूँ आपके रीजनिंग की, रीजनिंग होता था आपका, मैथ होता था आपका, हिंदी होता था और GK GS होता था। तो लगभग चारों सेक्शन आपके कवर अप होते थे 40 मार्क्स के अंदर अंदर। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो पैटर्न है आपका चेंज हो गया है और अब जो पेपर होगा ये होगा आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का आपके पेपर होंगे जिसमें सारे सेक्शंस आपके 20-25 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। 25 मार्क्स का आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा, 25 मार्क्स का आपका मैथ रहेगा, 25 मार्क्स का आपका GK GS रहेगा, 25 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहेगा। और इसके लिए दोस्तों जो टाइमिंग मिलेगी आपको 120 मिनट यानी लगभग 2 आवर्स का आपको टाइमिंग मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक जरूर कर देना है, और आप अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और आप भी सॉल्व करो कि देखो आप कितना बना पाते हो CISF के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर है यहाँ। तो चलिए अब क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन के ऊपर, तो अब एंसर इसका पता करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूछा गया है कि यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ा गया है कि जिस तरह से भूख का संबंध भोजन से है तो जल का संबंध किससे है। तो दोस्तों भूख जब लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो जब हमें प्यास लगती है तब हम पानी भी पीते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ये आ गया होगा और आप बने बना भी लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कुत्ता पीला शेर, तो कुत्ता का जिस तरह से बच्चे को हम पीला कहते हैं तो शेर के बच्चे को हम क्या कहते हैं। तो शेर के बच्चे को दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा बछेड़ा कहते हैं, सावक कहते हैं, मेमना कहते हैं, बिलौटा कहते हैं, तो उसको हम सावक कहते हैं। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 3 से 4 में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, टांग, जड़, नाक और हाथ। दोस्तों आपको जो ये टेस्ट दे रहे हो आप अपना स्कोर भी एक कॉपी पर लिखते जाओगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, आपको कहीं से मिल नहीं पाएगा। तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर इसका जो PDF है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि टांग, जड़, नाक और हाथ इसमें से दोस्तों सबसे भिन्न कौन सा है। तो आपका जड़ भिन्न है, क्योंकि ये जो टांग है, आपका नाक है, आपका हाथ है, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये जड़ जो है ये अलग है। चौथे नंबर पे आते हैं मनुष्य, पौधा, पशु और भूमि, इसमें से सबसे अलग कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से जो सबसे अलग हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भूमि, क्योंकि मनुष्य दोस्तों जो है ये भी श्वास लेता है, पौधा जो है ये भी श्वास लेता है, और पशु जो है ये भी श्वास लेता है, ठीक है। तो लगभग आपके जो तीनों होंगे ये अलग हो जाएंगे और भूमि जो होगा आपका ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्द का सार्थक क्रम दर्शाएगा, ठीक है। मीन्स कि इसको एक अरेंज वर्ड में बनाना है। जैसे पहला है फर्नीचर, जंगल, वन, लकड़ी और वृक्ष। तो अब इसको कैसे बनाओगे आप, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे कि कोई भी वृक्ष होगा, ठीक है, जंगल होगा, पहला नंबर पे आपका जंगल आ जाएगा। जंगल में आपका दोस्तों क्या होगा, तो जंगल में आपका हो जाएगा वृक्ष। वृक्ष पे दोस्तों क्या होगा, वृक्ष के बाद आपकी लकड़ी होगी, और लकड़ी के बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो आपका फर्नीचर बनेगा। तो इसका जो सही क्रम आपका हो जाएगा, पहला जंगल तो यानी 2 हो जाएगा, उसके बाद चौथे नंबर पे आपका वृक्ष आ जाएगा, उसके बाद आपका लकड़ी आ जाएगा तीसरे नंबर पर, पहला पे फर्नीचर। तो ये दोस्तों जो होगा इसका सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों एक दिया हुआ है आपका पजल टाइप का क्वेश्चन है कि 22, 9 और 31, तो 23, 11, 34 होता है, तो 14 और 8 कितना होता है। तो आप इसको सॉल्व करके बताओ दोस्तों, मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ थोड़ा सा, और आप वीडियो भी पॉज कर लेना का ज़्यादा टाइम लगता है, तो जल्दी बताओ आप इसको क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे आप उम्मीद करता हूँ कि मैं सॉल्व कर लिया होगा आपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22 और 9 कितना होता है, तो 31 होता है। तो 22 + 9 आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और यहाँ पे 23 + 11 कितना होगा आपका, तो ये भी 34 हो जाएगा। और 14 + 8 दोस्तों कितना होगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी ठीक इसी तरह से सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, के नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज़ को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक पेपर है जिसको कि हम फोल्ड करते हैं और
इसका जो लास्ट इमेज बनता है आपका, ये इमेज आपको दिखाई देता है। तो जब इस पेपर को हम खोलेंगे तो पूरी फिगर इस चारों में से कौन सा फिगर ये बना पाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये चारों पेपर खुलेगा तो ये जो फॉर्मेट है इसका तीन डॉट वाला ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट थ्री डॉट वाला ये भी आपका पॉइंट ऐसे ऐसे करते करते ये आ जाएगा, यानी आपको जो डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भी लोग ए बी सी बता रहे होंगे ये उनका गलत ऑप्शन है, इसको आप एक बार देख लोगे। आठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है मिरर इमेज से है, ठीक है। जैसे ए और बी एक मिरर है जो कि इस साइड एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके इस साइड इसका क्या ऑब्जेक्ट मीन्स की क्या फेस बनेगा। तो आप देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन फिगर ये है, ऑप्शन फिगर ये है, तो इसमें से कौन सा सही होगा आप देख करके जल्दी से बताओ। तो दोस्तों ये जो एस है आपका इस साइड से देखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एस जो है आपका उल्टा हो जाएगा, यानी एस ऐसे हो जाएगा, और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है आपका ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका इस तरह से करके इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह की आकृति हमें देखने को मिल रहा है ये फिगर ए में, तो ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दोस्त आपका अलग आ गया। एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं, मैथ से क्वेश्चन दोस्तों आपका आ गया, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। उसके बाद दोस्तों आपका नाइन्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये मैथ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो दिया हुआ है कि एक पुस्तक के 300 पृष्ठ है, मतलब एक बुक है उसके कितने पेज हैं, टोटल 300 पेज हैं, ठीक है। और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियाँ हैं, मतलब एक पेज पर आपकी 10 शब्दों की 20 पंक्तियाँ हैं। तो ये पूछ रहा है कि पेज में कुल कितने शब्द हैं, मीन्स की पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं। तो दोस्तों 300 पेज हैं और 10 जो शब्द हैं वो एक पेज पे हैं, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 3000, और 3000 को 20 से अगर मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 20 पंक्तियाँ हैं, तो ये लगभग आपका हो जाएगा 60000। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप भी इसको बनाने की कोशिश करोगे, और अगर आपका सही जवाब आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अजंता की गुफाओं में किस से संबंधित कला पाई जाती है, मीन्स की जो अजंता की गुफा है इसमें किस काल की मीन्स की किस धर्म की आपकी जो कला है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अजंता की गुफा है उसमें बेसिकली आपके सिंधु घाटी की तो मिलती नहीं है क्योंकि इंडस वैली में मिलता है, जैन धर्म की मिलती नहीं है, जैन धर्म की कुछ कुछ मिलती हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की जो है सबसे ज़्यादा मिलती हैं। तो यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बौद्ध धर्म, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर का कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। आप इसके ऑप्शंस देख लो और बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन करता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर, या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री। तो यानी क्वेश्चन है आपका कि भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति दोस्त आपको बता दूँ कि राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ होता है ये कौन दिलाता है, यानी जो शपथ होता है, जो ओथ होता है, ये कौन दिलाता है, उनको कौन करवाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। तो दोस्तों जल्दी से बताओ कि किसने दिया था महात्मा गांधी को बापू की उपाधि। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को हम और किस नाम से जानते हैं, तो गुरुदेव के नाम से जानते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के कंपोजर आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि किन्होंने लिखा था राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आ जाओ नीचे, स्वतंत्र भारत कब हुआ था, मीन्स कि भारत कब आज़ाद हुआ था, यानी भारत इंडिपेंडेंट कब हुआ था। दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 15-8-1947, 14-8-1947, 26-1-1950 और 26-1-1930। तो भारत आपका स्वतंत्र कब हुआ था, तो आप मुझे जल्दी से बताओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसका तो जवाब देना मैं सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसका अगर मैं जवाब देता हूँ और आपको नहीं आता है तो भाई आप तैयारी करना छोड़ दो, क्योंकि भारत कब इंडिपेंडेंट हुआ था, तो चलो बता दो आप। और एक और इसको छोड़कर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ इसके बारे में कि यहाँ पे तो आप सबको पता होगा कि भारत जो है 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, यानी 15-8-1947 को, लेकिन 14-8-1947 को पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 26-1-1950 को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे, जो कि हाल ही में हमने अभी सेलेब्रेट किया, जो कि आपका 73rd नंबर का रिपब्लिक डे था। और 26-1-1930 को जो है भारतीय जो कार्यकर्ता थे उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उन्होंने अपना जो स्वतंत्रता था उसको घोषित कर दिया था लाहौर सेशन के अंदर, तो
उस टाइम उन्होंने तिरंगा लहरा दिया था लेकिन उसको वैलिड नहीं माना जाता है, और 26 जनवरी को फाइनली हम गणतंत्र हुए और 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सुखोई 30 का संबंध किससे है, मीन्स कि सुखोई क्या है, पनडुब्बी है, एयरजेट है, लड़ाकू विमान है और हेलीकॉप्टर है। तो जल्दी से दोस्तों आपका इसका आप ऑप्शन इसका आंसर दे दो आप ऑप्शन देख के। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो जाएगा ये दोस्तों फाइटर जेट है, नहीं लड़ाकू विमान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे में के चक्र में कितनी तीलियाँ होती है, 20, 12, 24 और 18। तो दोस्तों 24 तीलियाँ होती हैं जैसा कि आप सबको पता होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो बेसिकली बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन पेपर आता है फायर का। अब इसका फिलहाल में जो करंट सेशन आने वाला है अब इसमें पता नहीं हार्ड आएगा कि क्या आएगा, लेकिन ये उस टाइम का पेपर है आपका 8, 9, 10 मीन्स की 2008, 9, 10 के आसपास का जो पेपर है दोस्तों, मेरे को बहुत पुराना बहुत मुश्किल से मिल पाया है तो मैं इसको आपको लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हो कि उस टाइम किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, भारत में 29 प्रांत है, 29 स्टेट्स है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा राजस्थान और छोटा गोवा है, सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो उस टाइम के हिसाब से मुझे जो लगता है कि आपका ये जो डी नंबर है सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है ये गलत होगा, ये फिलहाल में भी गलत होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भारत में फिलहाल में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटोरीज है, क्योंकि दोस्तों इससे भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो अभी फिलहाल में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी जो तीसरा नंबर है कि सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है तो ये तो सबसे सही है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है दोस्त ये बिल्कुल गलत है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो मैंने पूछा कि कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटोरीज है फिलहाल इंडिया में, आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट दोस्तों कि आपका प्रश्न संख्या 17 से 18 में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्द द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार कला कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हो कि ये हिंदी से क्वेश्चन बेसिकली आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को ब्लैंक रहना चाहिए, तो कैसा रहना चाहिए आपको, तो ऑप्शन है आपके प्रबुद्ध, संबंध, उद्धत और उद्वत। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा, तो इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा उद्धत, मतलब कि तैयार, हमेशा जागरूक, सचेत रहना चाहिए, मीन्स कि देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक साधनों के होते हुए भी सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, के ऑप्शन है अपरिमित, अनुमित, सीमित और निर्मित। तो दोस्तों आपकी जो यहाँ पे सीमित संसाधन, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन सीमित संसाधन है, लेकिन फिर भी हम अपना जो जीवन है वो निर्वाह कर रहे हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इसका 19 नंबर क्वेश्चन है कि दिन एवं शब्द का पर्याय क्या होगा, दिन शब्द का पर्याय मनुष्य की पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ऑप्शन है आपका दिवस, विपुल, निशी और अपराहन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दिवस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग सही सही जवाब दिए होंगे इसके। 20 नंबर है कि सुख शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, मीन्स कि सुख का उल्टा क्या होगा, आपके ऑप्शन हैं कष्ट, पीड़ा, दुख और दर्द। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप में से सबको पता होगा कि इसका जो सुख का उल्टा क्या होगा, तो सुख का उल्टा आप सब जानते हो कि सुख का उल्टा हो जाएगा आपका दुख, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संख्या 21 और 22 में दिए गए मुहावरों के लोकतियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 21 नंबर क्वेश्चन है जूता चाटना, जूता चाटना का दोस्त आपका क्या होगा, ये समझ लो कि आपका एक तरह से EDM कह सकते हैं हम इसको। तो जूता चाटना मतलब खुशामद करना, घूस देना, इधर उधर घुमाना, जूतों को चमकदार बनाना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका खुशामद करना, मीन्स कि किसी के आगे पीछे घूमना, किसी का जूता चाटना, नहीं कहते कि तलवा चाट रहा है, जूता चाट रहा है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाओ कि ऊँट के मुँह में जीरा, तो मतलब ऊँट के मुँह में जीरा इसका कहावत का क्या अर्थ है, मतलब बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना या फिर बड़े प्राणी को संतावना देना। तो दोस्तों ये सही बात है कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, मतलब एक ऊँट है और उसको हम थोड़ा सा जीरा देंगे तो उसको क्या पता चलेगा उसके पेट में क्या गया है क्या नहीं गया है। तो इस तरह का हम जो मुहावरा है इसको हम जनरली घर में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर आप भी देख रहे होंगे और आप भी कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द, मीन्स की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप 23 नंबर देख सकते हो कि जिस कार्य को किया जाना असंभव हो उसे क्या कहते हैं, संभाव्य, असाध्य और असाध्य, साध्य और सुसाध्य।
तो जिस कार्य को किया जाना असंभव हो, मीन्स कि कोई काम को करना डिफिकल्ट हो, तो उसे क्या कह सकते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका असाध्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हिंदी वर्ड्स जो हैं बुरी तरह से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों उस समय इंग्लिश का उतना क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, इस वजह से ये जो पेपर है आपका हिंदी में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम, किशोर, विधुर, अविवाहित और युवा। तो इसमें से आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि जिसका विवाह ना हुआ हो उसे हम अविवाहित कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मैथ के। दोस्तों क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, तो मैथ के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, पेन पेंसिल अपना निकाल लोगे, जो राइट आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राकृतिक संख्या किस अंक से प्रारंभ होती है। तो मतलब कि प्राकृतिक जो संख्या यानी नेचुरल नंबर कौन से डिजिट से आपकी स्टार्ट होती है। आपके ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, 0, 1, -1 और 10। तो दोस्तों आपकी जो प्राकृतिक संख्या है ये 1 से शुरू होती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि 0 भी आता है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। आपकी 1 से जो है वो नेचुरल नंबर स्टार्ट होती है और ये अनकाउंटेबल होती है, मीन्स कि जहाँ तक आप गिन पाओ ये सारे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में आती है। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि 9261 इसका घनमूल यानी क्यूब क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है 31, 21, 11 और 41। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसका जवाब दे दोगे, तो जल्दी बता दो कि आप इसका क्या होता है क्यूब रूट 9261 का। तो दोस्तों इसका जो क्यूब रूट होगा ये होगा आपका 21 का। ठीक है, 21 का ये जो आपका क्यूब रूट हो जाएगा 9261। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है कि आपका 540 रुपीज यानी आपका प्रिंसिपल कितना है 540, आपका टाइम कितना दिया हुआ है 2, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ मतलब 5/2 ईयर्स। आप इसको कर दोगे 2×2=4, 5/2, तो टाइमिंग आपका दिया है 5/2 ईयर्स। 5/2 ईयर्स आपके प्रिंसिपल 540 हो गया और इसका इंटरेस्ट दिया है 3%। तो इसका ब्याज क्या होगा, मीन्स कि इसका इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, आप में से बहुत से लोगों को फॉर्मूला पता होगा, P × R × T/100। दोस्तों आप इसको करोगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, बनाओ और पॉज कर लेना अगर नहीं हो तो, क्योंकि टाइम दोस्तों जा रहा है बहुत, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो राइट आंसर दोस्तों आएगा ये आपका 40 रुपीज और 50 पैसे। आप इसको बना करके सॉल्व करके देख लेना, मैंने सॉल्व किया हुआ है तो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लस प है, मीन्स कि इसका क्या आपको निकालना है, लस मीन्स कि LCM। ठीक है, तो इसका LCM क्या होगा ये सारे संख्याओं का। तो आप LCM इजीली है, एकदम आराम से आप निकाल लोगे LCM निकालना। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 360 यानी 360 इसका LCM आपका निकल करके आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसका सिंपल फॉर्म बताना है 29 को नंबर में कि 77 और 55 का सरलतम रूप कौन सा है। तो दोस्तों सिंपल फॉर्म निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि इसको डिवाइड कर देना है। किससे करोगे आप, तो अगर 77 को यहाँ पे आप देखो 77 और 55 को हम काटे 11 से तो ये जाएगा 7 बार में, ये जाएगा 5 बार में, तो यानी 7 रेशियो जो 5 है ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 हो तो उसका 80% कितना होगा, मीन्स कि किसी संख्या का अगर 200% जो है उसका जो वैल्यू होगा ये 90 होगा तो 80% कितना होगा इस संख्या का। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है। दोस्तों आप इसको फाइंड कर लोगे, वीडियो को पॉज कर दोगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर ए, मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, यानी 36 जो होगा इसका 80% होगा 200 का। ठीक है, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आप देख लोगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक कार 46 किलोमीटर प्रति घंटा मीन्स कि पर हावर किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, उसकी औसत गति से चल रही है, 276 किलोमीटर दूरी तय करने में वो कितना समय लेगी। इसकी यहाँ पे स्पीड दी हुई है, आपकी डिस्टेंस दी हुई है, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे आपका जो है निकल करके आ जाएगा 31 नंबर का दोस्तों जो आपका सही जवाब आएगा ये आपका आ जाएगा 7 घंटे यानी 7 आवर्स। ठीक है,
अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि एक 200 मीटर लंबी गाड़ी, मीन्स की जो गाड़ी है उसकी जो लेंथ है वो 250 मीटर है, ठीक है। इसकी स्पीड कितना है तो 60 किलोमीटर पर हावर, तो 60 किलोमीटर पर हावर को हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और एक खंभे को पार करने के लिए कितना समय लेगी, तो डिस्टेंस दोस्तों निकालना, तो सिंपली इसको और इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो 5/18 से हम इसको काट देंगे और उसके बाद जो हमारा निकल करके आ जाएगा ये हमारा आएगा 32 का 15 सेकंड। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ये 15 सेकंड हो जाएगा, आप निकाल करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा ये आप आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिखा रहा है कि एक विक्रेता ने एक रेडियो 162.50 रुपये में खरीदा, ठीक है, और 195 रुपये में बेचा, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉफिट इजीली निकाल लोगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे और आपका जो प्रॉफिट है वो निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। एक्स स्क्वायर में से किसका वर्ग है, मीन्स कि एक्स स्क्वायर निम्न में से किसका वर्ग है, मीन्स कि किसका स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, एक्स का, माइनस एक्स का, या फिर सी ए और बी दोनों का, और इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ दोस्तों 34 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो आपका एक्स स्क्वायर है ये दोनों का हो सकता है, ए और बी दोनों का हो सकता है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर है तो आप इसको एक्स भी लिख सकते हो और माइनस एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाते हो क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में दोस्तों आपका जो है वो ACF निकालना है, ठीक है। ACF आप निकालोगे तो जो सही ACF हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 24 2 जा 48 और 24 3 जा 72, तो आपका जो ACF हो जाएगा ये 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप कि 14/2 कितना हो जाएगा 7 7, और का मतलब ये होता है डिवाइड, तो 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हम 1 बचेगा, और 1 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो हम आपका 6 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 आपका, थ्री क्वेश्चंस और बच गए हैं। तो 45 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो इनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद 36 आदमी और मिल गए, तो उन्हें शेष काम पूरा करने में और कितना दिन लगेगा। तो आप इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दोगे। दोस्तों आपको हिंट दे दूँ कि इसमें से जो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा ये हो जाएगा बी, और सी दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब मान लो कि अगर 100 रुपये की वो वस्तु है तो उस पर 40% यानी 140 रुपया लिखता है, ठीक है, और उनमें से 15% की छूट पर बेचता है, तो मतलब 140 में 15% की छूट पर बेचता है तो फिर भी उसको लाभ होता है, तो लाभ कितना होता है आपको इसमें से ऑप्शन में से बताना है कि लाभ कितना होता है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम आ जाते हैं। तो 39 कहता है कि आपके यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वहाँ पर डायरेक्शन आपको उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गाय हैं, यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या 12:35 हो, मतलब 12 पैर हो आपके, सॉरी सिर हो और 35 पैर हो, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कहता है कि अगर पैरों की संख्या और सिरों की संख्या का रेशियो जो है 12:35 हो और केवल सिरों की संख्या 48 है, तो इसका जो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका 39 नंबर का ये हो जाएगा बी नंबर यानी 26। आप इसको सॉल्व कर लोगे और कैसे होगा अगर नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया हुआ है कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का हास्य होता है, मतलब हर एक साल, तो उसका वर्तमान मूल्य जो है ये है 2 लाख रुपये, तो 2 वर्षों के बाद इसका जो है वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 2 वर्ष के बाद जो इसका वर्तमान मूल्य आपका हो जाएगा ये हम देख सकते हो 40 नंबर का, ये हो जाएगा आपका 1,80,500। आप इसको सॉल्व करके देख लेना और इसका जो सही जवाब होगा ये 1,80,500 हो जाएगा। दोस्तों मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं कराए, क्यों नहीं कराए, तो आप में से बहुत से लोग ये जान रहे होंगे क्यों नहीं सॉल्व कराए सर, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों टाइम की वजह से, ताकि आपका भी टाइम बचे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें उतना दम नहीं है कि फिलहाल के क्वेश्चन पेपर का ये सामना कर सके, क्योंकि फिलहाल दोस्तों जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की फॉर्म फिलअप करने की बहुत ज़्यादा है, तो आपको तैयारी जम के करनी है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। दोस्तों आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं और भी जो भी प्रैक्टिस हो सके, प्रैक्टिस सेट या फिर और भी जो कोशिश हो सके मैं ज़रूर करूँगा, ताकि आपको सक्सेसफुल बना सकूँ,
आप भी सक्सेस पा सको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने दिखाए, जो भी जानकारी दी, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर आ गई हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पे नया रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।